नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत से बदसलूकी मामला, महिला सीआईएसएफ जवान पर थप्पड़ मारने का आरोप। कंगना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें थप्पड़ मारा गया, किसान आंदोलन का जिक्र किया है। आरोपी महिला जवान को सस्पेंड कर लिया गया। और बता दें आपको, किसानों पर फार्मर्स प्रोटेस्ट, किसानों के प्रदर्शन पर जो कंगना का बयान था, उस बयान से सीआईएसएफ की महिला जवान आहत थी। सीआईएसएफ की महिला जवान का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो थप्पड़ मारने के बाद ये कह रही हैं कि उन्होंने क्यों कंगना पर हाथ उठाया। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक एयरपोर्ट का वो वीडियो आप देख रहे हैं जो थप्पड़ मारने के बाद का वीडियो है। कंगना आपको गुलाबी रंग की साड़ी में इस वीडियो में दिखाई दे रही हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का ये मामला है करीब दोपहर 3 बजे का। और दूसरी तस्वीर में आपको सीआईएसएफ की वो महिला जवान भी दिखाई दे रही जिन पर कंगना को थप्पड़ मारने का आरोप है। बताया ये जा रहा है कि महिला जवान किसानों के आंदोलन पर कंगना की प्रतिक्रिया से, उनके कॉमेंट से नाराज थी, आहत थी। तो वहां मौजूद लोगों में से किसी ने यह वीडियो बनाया है उस महिला जवान का, यह कहते हुए आप सुन सकते हैं कि जब किसानों का आंदोलन हुआ था, किसान बैठे तो मेरी माँ वहां पर बैठी थी। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज़ के जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रही है। प्रियंका, कंगना का भी वीडियो सामने आ गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि क्या हुआ था उनके साथ और अपने चिंताओं को भी जाहिर किया है। और जिस तरह से एयरपोर्ट पर यह घटना हुई वो वाकई कई सवाल खड़े करती है। पूरे मामले में सबसे बड़ा अपडेट फिलहाल यह है कि ये कांस्टेबल जो है इनको सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही साथ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी इनके खिलाफ सेटअप कर दी है। जिस तरीके से साफ दिख रहा है कि वीडियो में वो खुद बता रही है कि जिस तरीके की बयानबाजी कंगना ने की थी उससे वो आहत थी, बता रही है कि उसकी माँ जो थी वो आंदोलन में बैठी थी। और जिस तरीके के बयान किसान आंदोलन के दौरान कंगना के आए जहाँ पर ये कहते हुए दिखी कि 100-100 रुपए में जो प्रदर्शनकारी है वो बैठ रही है या महिलाएं बैठ रही है, उससे आहत नजर आ रही थी कांस्टेबल। लेकिन बावजूद इसके आप यूनिफॉर्म में है, आप ड्यूटी में है और ऐसे में मिसबिहेव करने के बाद एक इंक्वायरी वहीं पर सीआईएसएफ ने बैठाई थी, जिसके बाद जो प्राइम ऑफिसर जो है उसके अनुसार उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और पूरे मामले में फिलहाल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होगी, ये भी खबर है। जी बिल्कुल प्रियंका, और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि एक महिला जवान जो ड्यूटी पर है, भावनाओं को एक तरफ ट्रेनिंग उनको दी जाती है कि किस तरह से अपना कर्तव्य निभाना है, और आहत मन रहा होगा टिप्पणियों से, ये हो सकता है किसी के साथ भी, ह्यूमन नेचर है। लेकिन जब आप यूनिफॉर्म में होते हैं, ड्यूटी पर होते हैं, तो इस तरह से रिएक्ट करना ये तो डिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर आएगा। बिल्कुल, और उसी पर एक्शन लेते हुए उनको सस्पेंड किया गया है। और दूसरी बात ये कि ये तो यूनिफॉर्म में थी, ड्यूटी पे थी, वैसे भी अगर आप किसी की बातों से सहमत नहीं है तो आप मुंह जुबानी अपनी असहमति को जता सकते हैं। आप उस पर वो ये एक कंगना के स्टेटस की ही बात नहीं, ये किसी भी नॉर्मल लोगों के लिए भी अगर बात की जाए तो हाथ उठाना कहीं पर भी सही नहीं है। और ऐसे में आप एयरपोर्ट जैसी संगीदी जगह में आपकी तैनाती की गई है। फिलहाल जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि काफी क्लीन रिकॉर्ड इस
कांस्टेबल कर रहा है, इनके पति भी सीआईएसएफ में ही मौजूद है, लेकिन फिलहाल इनको सस्पेंड कर दिया गया है। और ऑन ड्यूटी बिहेवियर इस तरीके का रहना, उस पर सवाल उठाते हुए एक पूरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बैठाई गई है। बताया जा रहा है कि सस्पेंडेड कांस्टेबल जो है वो कपूरथला की रहने वाली है, और जिस तरीके से खुद अपने वीडियो में वो बोलती हुई नजर आ रही है, किसान आंदोलन को लेकर आहत थी जिस तरीके के बयान तब कंगना ने दिए। बिल्कुल प्रियंका, बहुत शुक्रिया आपका। और वाकई देखिए, किसी पर हाथ उठाना, किसी की टिप्पणी से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, तो आप उससे वार्ता कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हाथ उठा देना ये कतई भी सही नहीं है। बढ़ते आगे अब बात करते हैं, प्रधानमंत्री पद की शपथ एक बार फिर लेंगे नरेंद्र मोदी, 9 जून को शपथ ले सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल सुबह बीजेपी और एनडीए की संसदीय दल की बैठक होनी है, नरेंद्र मोदी को इसमें नेता चुना जाना है, कल ही सरकार बनाने का दावा एनडीए पेश कर सकता है। राष्ट्रपति ने 7 जून की शाम 5 से 7 बजे के बीच बुलाया है, तो ऐसे में 9 जून को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, राष्ट्रपति भवन में यह समारोह होगा, 9 जून को शपथ ले सकते हैं, और साथ ही कल यानी कि 7 जून को शाम 5 से 7 बजे के बीच का समय मिला है राष्ट्रपति भवन की ओर से, जहां एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करेगा, और कल ही एनडीए की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है जिसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा। वहीं इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। सीएम ने कहा कि मोदी जी की सरकार दुनिया में भारत की साख को और मजबूत करेगी। दिल्ली तो जाना ही है, दिल्ली का आनंद है। दिल्ली के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने अपनी तरफ से मध्यप्रदेश की सरकार में और इकाई में सर्वोत्तम भेंट करने का प्रयास किया है, और हम सब जानते हैं कि 29 के 29 कमल खिले हैं, और यशस्वी प्रधानमंत्री फिर एक बार मोदी सरकार के नारे को सार्थक करते हुए हमारी कल पार्लियामेंट्री संसदीय दल की मीटिंग के बाद में आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि नई सरकार सभी को लेके चलने के साथ भारत की साख दुनिया में फिर एक नए प्रकार से बनाने के लिए माननीय मोदी जी की भूमिका का इंतजार कर रही है, और मोदी जी के लिए मैं शुभकामना देता हूं। मुख्यमंत्री मोहन यादव मेरे साथ हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने पहले ही अपनी इनिंग में छक्का मार दिया, क्लीन स्वीप लोकसभा चुनाव में, बड़ी जीत मध्य प्रदेश को। ये माननीय मोदी जी के काम का आधार है बड़ा अपने आप में, और उनके नेतृत्व में हमने विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब भी पूरे प्रदेश में एक नारा गूंजा था, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, और उसका परिणाम हमने ये दिया। जब सरकार बनी तब से जनहितैषी योजनाओं को लेकर आगे बढ़े, माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी 2 नदी जोड़ों बड़ी परियोजनाओं का बड़ा लाभ मिला है, नीचे विधायकों के लिए हमने उनके बड़े पैमाने पर रुके हुए काम कराए, और सांसदों को भी विश्वास में लेकर उनके कामों की लिस्ट लेकर उस दिशा में भी आगे बढ़े। कार्यकर्ता, सरकार, संगठन सबने मिलकर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा, और माननीय मोदी जी का नाम पर्याप्त था। 14 में नहीं जीत पाए, 24 में पूरा किला ढा दिया आपने, और ये छिंदवाड़ा ही नहीं, राजगढ़ जहां पे कहा जा रहा था पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है वो रोड बनलागर साहब को हरा देंगे, वहां पे भी कुछ नहीं कर पाए। देखिए, ये बात सही है कि 2 तो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, दोनों की सीटें गई, और एक छिंदवाड़ा का आपने नाम लिया, ये तो आजादी के बाद पहली बार मुख्य चुनाव में, एक बार उपचुनाव पटवाजी से 40 साल पहले की बात है, वो उपचुनाव में जीते थे। वहीं मोदी कैबिनेट में एमपी का दबदबा बढ़ सकता है, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश से महिला सांसदों को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हिमाद्री सिंह और सावित्री ठाकुर 2 बार की सांसद हैं, हिमाद्री सिंह और सावित्री ठाकुर दोनों ही आदिवासी वर्ग से आती हैं, संध्या राय 2री बार की सांसद हैं और दलित वर्ग से आती हैं। नरेंद्र मोदी के पिछले कार्यकाल में मध्य प्रदेश से 5 मंत्री थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और वीरेंद्र खटीक।
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, जहां बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस नेताओं को बीजेपी के दूसरे नेताओं की भी तारीफ करनी चाहिए, तो कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से आते हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कांग्रेस के पास अब बचा ही क्या है? जिस नजर से कांग्रेस अपने संगठन को देखती है कि राहुल हो या प्रियंका, इस पर ही वो विवाद करते हैं, उसी नजरिए से वो भाजपा को देखते हैं तो गलती करते हैं। भाजपा ने चुनाव मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा है, मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार गठित होने वाली है। बाकी मैं कांग्रेसियों का स्वागत करता हूं कि वे हमारे अन्य नेताओं की भी महिमा और गुणगान कर रहे हैं और ऐसे ही वो और नेताओं की भी करें तो बेहतर होगा। चुनाव निश्चित तौर पर मोदी के चेहरे पर, मोदी की गारंटी पर लड़ा गया। अब लेकिन वो सरकार बनाने में प्रयासरत है, मोदी की गारंटी तो खत्म हो गई, अब चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार की गारंटी पर वो सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर इसमें मोदी पीएम बिल्कुल नहीं हो सकते। हम तो मांग करते हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री पद स्वीकार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना ऑरा बनाया है वो खुद ही अपना कद घटाएंगे। जहां तक शिवराज जी की बात है, मध्य प्रदेश के नाते हम स्वागत करेंगे अगर शिवराज जी यहाँ 4 बार मुख्यमंत्री रहे, लगभग 17 साल मुख्यमंत्री रहे, अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो हम स्वागत करते हैं, भले किसी भी दल के हों। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके 1.5 लाख से जीते हैं, जबकि उनको 10 लाख से जीतने का। लोकसभा चुनाव में विपरीत परिणामों के बाद कांग्रेस पर अब सर्जरी का दौर शुरू हो गया है। सबसे पहले यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष और इकाइयों को भंग किया गया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने कहा है कि जो काम नहीं करेगा उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। जिन विधानसभा अध्यक्षों ने काम किया है उन्हें फिर से मौका दिया जाएगा। पार्टी ने यूथ कांग्रेस की 10 जून को बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा, मितेंद्र सिंह समेत प्रदेश के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए काम के पूरे ब्यौरे और रिपोर्ट के साथ बुलाया गया है। साथ ही सभी पदाधिकारियों को बैठक में मौजूद रहने की सख्त हिदायत दी गई है। बैठक भोपाल प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में होगी। सभा अध्यक्षों की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। आदरणीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे सभी प्रभारियों से बात करके हम लोगों ने ये फैसला लिया कि जो कार्य करने वाले विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको आने वाले समय में पुनः स्थान दिया जाए, और जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनके लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था तथाकथित, जो काम करेगा वो जगह पाएगा। तो आज हमारी विधानसभा अध्यक्षों की कमेटी को भंग किया गया है, और आने वाले समय में हमने जो फॉर्मेट रखा है वो एक ही फॉर्मेट है, काम करो और जगह पाओ। धन्यवाद। इस बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक और बड़ा फैसला लिया है। मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस ने बागियों पर बड़ा एक्शन लेने का फैसला किया है। कांग्रेस विधानसभा में विधायकों के बैठक व्यवस्था को बदला जाएगा, सदन के आसन क्रम में बदलाव किया जाएगा। कांग्रेस बागी विधायकों को अपने साथ नहीं बैठाएगी। बता दें कि निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत ने कांग्रेस छोड़ी है, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बावजूद न तो विधायक पद से इस्तीफा ही दिया है, इस्तीफा नहीं देने के चलते कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक अजय सिंह राहुल ने भी हार की समीक्षा करने की बात कही है। न्यूज 18 से बात की, सुनवाते हैं आपको। बिल्कुल विपरीत रहे, कांग्रेस के बड़े नेता अजय सिंह राहुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो परिणाम आए आपको लगता है उनकी समीक्षा होनी चाहिए और कांग्रेस को अब बेहतर करने की तलाश? भी चुनाव में चाहे हार हो चाहे जीत हो, समीक्षा होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ समीक्षा नहीं हुई विधानसभा की हार के बाद भी। सही तरीके से 15 महीने की सरकार गई उसके बाद भी समीक्षा नहीं हुई। जब तक कि नेताओं के बैठ के चर्चा नहीं होगी कि क्या कारण थे, तब तक पार्टी इसी हालत में रहेगी। हम सब जो कार्यकर्ता लोग हैं, हम कोई नेता नहीं है, हम तो सब कार्यकर्ता लोग हैं। कार्यकर्ताओं की पीड़ा है कि आज जब 5 सीट भी हमारे पास आ। देशभर में एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच कड़े मुकाबले के विपरीत मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की है।
परिणाम आने के बाद एक बार फिर कांग्रेस के नए अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी के नेता लोकसभा चुनाव के दौरान जमकर हुए दल बदल से लेकर चुनाव में मिली हार का जिम्मेदार जीतू पटवारी को बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस में बदलाव दिखेगा। मध्य प्रदेश में माहौल पूरी तरह एकतरफा था। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे असफल अध्यक्ष सिद्ध हो गए। कमलनाथ दिग्विजय सिंह अपनी स्वयं की सीटें नहीं बचा पाए। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि कांग्रेस पार्टी ताला लगने की स्थिति में, वही परिणाम दिखा रहे हैं। इसको लेकर जीतू पटवारी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, सब कुछ की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली है और आगे संगठन भी हमारा आपने देखा होगा, तीन चार महीने पहले ही जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने हैं। आगे और दुरुस्त करने की ज़रूरत है, बिल्कुल मानते हैं, और मध्य प्रदेश की जनता भी अब ये रिजल्ट को देख के समझ रही है कि कहीं ना कहीं उससे भी थोड़ी गलती हुई होगी और आगे जब आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त जनता का जो रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा, क्योंकि हम लगातार जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं और कांग्रेस पार्टी और जीतू पटवारी और उमंग सिंघार जी का एक सशक्त नेतृत्व आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। बड़ी खबर खरगोन से आपको बता रहे हैं, जहां बंदूक की नोक पर दामखेड़ा कॉलोनी में डकैती करने वाले 13 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बागडाडा क्षेत्र के कुख्यात गैंग ने डकैती की थी। 8 और 5 स्थानीय लोगों को मेनगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4 लाख रुपए के सोने के गहने, 2 देसी पिस्तौल और हथियार सहित 21,000 रुपए नकद जब्त किया है। साथ ही 3 मोटरसाइकिल और 1 चारपहिया वाहन भी बरामद किया गया है। डकैती की योजना बनाते हुए बागटांडा क्षेत्र के कुल 8 आरोपियों को खरगोन पुलिस ने पकड़ा और इनसे जब पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की तो इनसे पता चला कि दामखेड़ा कॉलोनी में होने वाली डकैती की घटनाओं को भी इन्हीं व्यक्तियों ने अंजाम दिया और इस पूरी घटना में लूटे गए माल मसरू का, जिसमें कि स्वर्ण आभूषण जो कि करीब 4 लाख कीमत के थे, वो खरगोन पुलिस ने बरामद किया और इस घटना में प्रयुक्त होने वाली बोलेरो कार, जिससे कि बागटांडा क्षेत्र से यह 8 आरोपी आए थे, उसको भी खरगोन पुलिस ने बरामद किया। इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस ने धार जिले के बागटांडा के शातिर चोर गिरोह को पकड़कर उनसे 1,21,00,000 रुपए का माल बरामद किया है। बता दें कि आरोपी रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। उनके निशाने पर ऐसे लोग रहते थे जो अपना मकान बेचने या किराए पर देने की योजना बना रहे होते हैं। ये चोर गिरोह इंदौर के 5 अलग अलग थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात कर चुका है।